निरसा से माले प्रत्याशी अरूप चटर्जी अभी बबलू महतो यानी कि चंद्रदेव महतो के नामांकन जो कि सिंदरी विधानसभा क्षेत्र से माले प्रत्याशी हैं उनके नामांकन के लिए यहाँ पहुँचे हैं। उनसे सीधे बात करते हैं। बताइए अरूप जी, कैसा रहेगा इस बार आप लोगों का चुनाव? दो दो प्रत्याशियों ने, सिंदरी और निरसा, आप लोग दोनों ने अब नामांकन कर दिया? दोनों नामांकन हो गया। आशा करते हैं जो इस बार विपुल वोट से जीतेगा। देखिए सिंदरी तो बहुत कम वोटों से हम लोग हारे थे, तो इस बार आशा करते हैं जो गठबंधन होने से वो काफ़ी डिफरेंसेस ज़्यादा रहेगी। ऐसे भी इस बार जो स्थिति है सिंदरी में, हम लोग अकेले भी काफ़ी मजबूत स्थिति में हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि कुछ जो बागी हैं आपके ही गठबंधन के नेताओं के, वो लोग भी नामांकन उन लोगों ने कर दिया है। जैसे आरजेडी के एक नेता जो हैं वो एनसीपी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, मुबीन अंसारी, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए आगे भी ये सारे प्रत्याशी थे, ये लोग कभी आरजेडी, कभी सपा से, कभी बीएसपी से, कभी और किसी से लेके आते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता जानती है जो किसको वोट देना है और किससे वोट दे सका। तारा देवी का कहना है कि वो 3 साल तक जनता के बीच में स्वयं रही, पति का उनका जो तबीयत खराब हो गया उसका भी सेंटिमेंटल फायदा उनको मिलने वाला, आप क्या कहेंगे? देखिए अगला 5 साल में, 5 साल क्यों, आप लगातार अगर देखेंगे झारखंड बनने के बाद से बीजेपी जीतते रहा, लेकिन काम कुछ दिखता नहीं है वहाँ। ठीक है जो छोटी मोटी काम होगी जो एमएलए फंड से, उसको छोड़कर काम जो दिखना चाहिए वो कभी भी सिंदरी विधानसभा में नहीं दिख, ना ही जो इंडस्ट्री खुली तो लोकल लोगों को रोज़गार मिला। तो उनके सांसद थे, विधायक थे, सरकार थी, प्रधानमंत्री थे, फिर भी लोगों को ना रोजगार सृजन हो रहा, ना वहाँ पर कोई भी डबल इंजन का जो इफेक्ट होना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा। अभी 2 दिन पहले जो विवाद बना है इरफान अंसारी वर्सेस सीता सोरेन, इस पर काफ़ी नाराजगी दिख रही है सीता सोरेन के जो समर्थक हैं उनमें भी, और इरफान ने भी इस मामले को लेकर आप माफ़ी मांग ली, इस पर आपका क्या नज़रिया है? देखिए लोगों को शालीनता बरतनी चाहिए, नीतिगत लड़ाई सबसे होती है, व्यक्तिगत लड़ाई कुछ भी नहीं है। विधानसभा के अंदर जब बैठते हैं तो सब हम लोग दोस्त रहते हैं, और सबकी ये है जो नहीं हम लोग मतलब झारखंड को आगे ले जाना है, दूसरा कोई इशू। तो अभी हम अरूप चटर्जी से बात कर रहे थे, सीधे तौर पे आपको बता दें कि जिस तरह से अरूप ने बताया और इरफान के संदर्भ में भी उन्होंने जानकारी दी है और कहा है कि जिस तरह से राजनीति में शालीनता बहुत ज़रूरी है, विधानसभा चुनाव लड़ने के समय इतनी सारी बातें होती है लेकिन जीत के बाद सभी लोग एक हो जाते हैं, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339। बिहार के शीर्ष नर्सिंग पैरा मेडिकल फार्मेसी ITO मैनेजमेंट प्रशिक्षण संस्थान, इसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और 1 वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।